हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। सो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा मैं कुछ नया यूनिक करने वाला हूं। तो आज मैं जो हूं करने वाला हूं ये कि लेज वर्सेस बिंगो। तो दो कंपनी है, दोनों ही आपको मालूम है कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं दोनों। तो मैं आज क्या करने वाला हूँ, लेज के मैंने दो तीन फ्लेवर लिए हैं और बिंगो के भी दो तीन फ्लेवर लिए हैं। तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा और दोनों को टेस्ट करूंगा, फिर अपना जो भी रिव्यू होगा मैं आपसे बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले मैं चिप्स सब बाहर निकाल लूँ, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है ब्लू वाला लेज लिया है मसाला फ्लेवर, और ब्लू मसाला फ्लेवर ब्रिंगो का लिया है, और ब्रिंगो का मैंने ग्रीन वाला लिया है अमेरिकन स्टाइल क्रीम एंड ऑनियन, और एक लेज का लिया है वही चीज़, और एक मैंने लिया बिंगो का टेढ़े मेढ़े, और एक लिया मैंने लेज कंपनी के कुरकुरे। सो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि लेज जो है आपको पेप्सी कंपनी का है, ओके, और जो बिंगो है वो आईटीसी का है। और जब चिप्स खाएं और अगर कोल्ड ड्रिंक ना मिले तो कैसे चलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना जब चिप्स का ही मैं कर रहा हूं तो मैंगो जितने ड्रिंक्स हैं उनका भी जो एक साथ कर लूं टेस्ट, और आपको बताऊं कौन सा अच्छा है नहीं है। तो मैंने यहां पे जो छोटे छोटे पैकेट मिले हैं मुझे तीन, तो एक मैंने माजा लिया है। तो माजा अगेन आपको ये जो है माजा कौन सी कंपनी का है मैं आपको बता देता हूँ। माजा थम्स अप, सॉरी कोका कोला। तो ये कोका कोला कंपनी का है। फ्रूटी जो है पार्ले कंपनी की है ना साहब, ये पार्ले कंपनी का है, यस पार्ले। और ये जो है स्विंग, ये पेपर बोट का है। तो ये तीनों मैंने जो है मैंगो फ्लेवर लिया है, तो इसका भी मैं पी के बताऊंगा कि रिव्यू ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है चिप्स को खोला है। मैं और एक चीज चलिए आपको दिखाता हूँ, जो लेज है उसमें जो है दिया हुआ है कि 40% मोर चिप्स, ओके। तो 40% मोर के बाद इसमें जो क्वांटिटी है वो है आपको टोटल हो रहा है इसमें 13.5 ग्राम, सो 9.5 ग्राम उसका है और 4 ग्राम एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया लेज का। और चलिए देखते हैं बिंगो में क्या है। बिंगो में भी जैसे कि आप देख सकते हैं 40% एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है, और सब मैंने 5 रुपये वाला लिया है क्योंकि कंपेयर करने में आराम हो। तो इसमें जो क्वांटिटी दिखा रहा है, इसमें आपको दिखा रहा है आप देख सकते हैं 13.3 ग्राम। तो वजन में, तो वेट में जो है 0.2 ग्राम्स जो है लेस ज़्यादा है, तो मतलब कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आ जाते हैं अब इसके बिंगो के टेढ़े मेढ़े में। तो इसमें 50% फ्री दिया हुआ, मतलब 50% एक्स्ट्रा है। तो इसका जो नेट क्वांटिटी हो रही है, नेट वेट कितना हो जाता है, टोटल हो रहा है 21.5 ग्राम्स, ठीक है चलो। और जो कुरकुरे है अगेंस्ट पेप्सी कंपनी का, इसमें भी 50 ग्राम्स एक्स्ट्रा दिखा रहा है, और इसमें जो क्वांटिटी दिया है कितना है 23.5 ग्राम्स। तो इसमें जो है कुरकुरे में, इसी में भी कुरकुरे में 2 ग्राम ज़्यादा है और टेढ़े मेढ़े में 2 ग्राम कम है, ठीक है ना। और चलिए तब अब मैं पहले खोल लूँ फिर बताता हूँ। चलिए, अब मैंने जो है यहाँ पे लेस का पहले पैकेट खोला है मसाला वाला ब्लू वाला, तो चलो पहले तुम खा के बताओ, तुम खा लो और मैं लेता हूँ लेस का ब्लू वाला। लेस भैया कौन नहीं खाया, जो जो खाया सभी खाए हैं, तो लेस तो लेस ही है। चलिए अब बताता हूँ मैं बिंगो का, आपको बिंगो का टेस्ट करता हूँ। तो खाने से पहले जो सबसे बड़ा अंतर मुझे लग रहा है देखने में, पता नहीं कैमरे में उतना आ रहा है कि नहीं, ये देखिए ये वाला जो है ये लेज है और ये वाला जो ये बिंगो है, तो बिल्कुल ये जो है एकदम रेडिश टाइप का मसाला, इसका थोड़ा व्हाइट है। तो तब भी चलिए देखता हूँ ये कैसा है खाने में, लेकिन देखने में तो लेज बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा देखने में लग रहा है खाने में अच्छा है, लेकिन लेज आ रहा है, लेज तो ब्लू वाले में जो है फ्रेंड्स लेज जीत गया। अगर मैं इसको 10 में 10 देता हूँ तो बिंगो को जो है मैं 10 में दूंगा 7, तो यहाँ पे ब्लू लेस जीत चुका है। अब स्टार्ट करता हूँ मैं ग्रीन वाला लेस, और ग्रीन बिंगो तो खा लो, अरे तो बिंगो खाओ, मैं लेस खाता हूँ। ये देखने में बिल्कुल सेम है, एकदम सेम। मैंने पहले क्या खाया, अब मैं खा रहा हूँ बिंगो। क्रंची वाला भी था। ये बात सही है कि जो क्रंची है ना चिप्स में वो बिंगो का है, लेकिन टेस्ट जो है भाई मसाला जो है वो लेस है। तो ग्रीन लेस को मैं दूंगा अगर 10 में 10,
बिंगो को मैं बोलूँगा दूंगा एक मिनट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो बिंगो को मैं दूंगा 10 में 9 तो जीतता है ले, लेकिन बुरा नहीं है अगर आप बिंगो भी किसी को खिलाओगे बच्चे को या मतलब अपने भी अगर आप खाते हो तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत एक थोड़ा सा फर्क है स्लाइड खाने के बाद समझ में आ रहा है लेकिन उतना फर्क नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं कुरकुरे और टेढ़े में, टेढ़ा है पर मेरा है, ये टेढ़ी है पर मेरी है। तो मैं पहले कुरकुरे खा के बताता हूँ। पानी पी लो सुबह तेज गर्म हो रहा है। मुझे टेढ़े मरे। तो फ्रेंड्स ये तो टाई अप हो गया, ये टाई हो गया दोनों के बीच में, क्योंकि साहिबा को कुरकुरे पसंद है और मुझे बिंगो ज़्यादा अच्छा लग रहा है टेढ़े मरे। ये थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है और ये थोड़ा स्पाइसी कम है, लेकिन मेरे पास अपना अपना टेस्ट, इसको वैसे भी स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा स्पाइसी कम है। तो मुझे तो टेढ़े मेरे बहुत अच्छा लगा, मैं 10 में जो है इसको 8 दूंगा और टेढ़े मेरे को 10 में 8। इसको भी अगर दोनों को 10-10 आप बोल दो ये कोई माफी नहीं, मैं बोलूँगा दोनों विनर है, क्योंकि यहाँ पे जब वो हो गया तो मतलब 50-50 दोनों ही यहाँ पे विनर हो गए। चलिए अब हो गया है चिप्स का, अब हम लोग आते हैं कोल्ड ड्रिंक में। तो सबसे पहले मैं पीने जा रहा हूँ पेपर बोट, ये मैंगो फ्लेवर है आप देख सकते हैं। अब मैं पीने जा रहा हूँ फ्रूटी, मैं पहले तीनों पी लो फिर आपको बता। और अब मैं पी रहा हूँ माजा, सॉरी तुम बताओ मेरे हिसाब से भी फर्स्ट माजा है, क्योंकि माजा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब होता है ना यहाँ मैंगो फ्लेवर बिल्कुल आ रहा है, बोला तो मैंगो फ्लेवर किसी में भी नहीं मिलता, मान लो जो मैंगो आम जो है वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन अच्छा लग रहा है माजा मुझे सबसे अच्छा बेटर लग रहा है, क्योंकि बहुत गाढ़ा है एकदम ठीक है और बहुत अच्छा मीठा है, मतलब अच्छा लग रहा है फ्लेवर। उसके बाद आ जाते हैं फ्रूटी में, फ्रूटी भी ठीक है लेकिन माजा से थोड़ा सा मुझे थिकनेस में कम लग रहा है, जबकि फ्रूटी पहले बहुत ठीक आती थी लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया फ्रूटी वाले को। तो वैसे फ्रूटी नो डाउट मेरे को आज भी मेरा फेवरेट फ्रूटी है, तो लेकिन अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि माजा फर्स्ट हुआ फ्रूटी थर्ड हुआ है और सॉरी सेकंड हुआ फ्रूटी और थर्ड पेपर बोट, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स की जैसे रसना जो होता है रसना को बना के उसमें पैकेट में डाल दिया है, तो ये बिल्कुल ऐसा और बहुत पतला भी है और बिल्कुल मैंगो फ्लेवर वो रसना वाला आ रहा है, इससे अच्छा आप रसना का वो 2 रुपये वाला पैकेट लाइए और बना के पी लीजिए, इससे अच्छा लगेगा। तो बस आज का जो वीडियो यही था, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। और तो बस इनको कुछ बोलना ही नहीं है, तो फ्रेंड्स चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार यूं बरसाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।